दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान सोमवार को जयपुर पहुंचे। टाउन हॉल कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान की जनता को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, भ्रष्टाचार को मिटाना, बिजली समेत 7 गारंटियां दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी और गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा। 3 सितंबर को भारत नवनिर्माण पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रवादी करण सिंह खाचरियावास द्वारा बड़े जोश के साथ सारे युवाओं को देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलने के लिए युवाओं को शक्ति प्रदान की। देखिए ये वीडियो। वर्तमान में क्या व्यवस्थाएं हैं, सोशल मीडिया पे गलत कोई लिखता है, हिंदू मुस्लिम सिख एक बाप अपने घर में पिता होते हैं, पिता का दायित्व क्या होता है, पूरे घर को एक रखना। हमारा देश का प्रधानमंत्री पूरे देश को एक नहीं रख पा रहा है। रख पा रहा है क्या? नहीं रख पा रहा तो विरोध करो। आने वाला कल जो फ्रंट है, बिल्कुल आगे आने वाले कल को बनाना है तो आप लोगों को आज को ताकतवर बनाना होगा। आप लोगों को सबको एक दूसरे से मिलके रहना होगा। मेरे साथ हो या नहीं हो, आगे आने वाले कल में भारत का नव निर्माण करना है। क्या करना है? पाएंगे हमें हमारी पीढ़ियां माफ नहीं करेगी, क्योंकि नेता अपने स्वयं का निर्माण करने आ गए हैं, पुलिस अपने स्वयं का निर्माण कर रही है। हमें अच्छा व्यक्ति चाहिए, अच्छा व्यक्ति। अगर कोई करप्ट व्यक्ति आ गया किसी पार्टी में, वो तो करप्शन करेगा, वो तो खुद को बनाने आया है। तो ये हमें सोचना होगा कि हमारा कैसा व्यक्ति, हमारा नेता होना चाहिए, हमारा लीडर कैसा होना चाहिए। हमारा लीडर निडर होना चाहिए, लीडर निडर होना चाहिए, जब ही वो जस्टिस कर पाएगा। भाई अन्याय के विरुद्ध न्याय करने के लिए जस्टिस वही कर पाएगा जिसमें राग द्वेष नहीं होगा। क्यों? हाँ, वर्तमान ताकत का है। किसका है? ताकत से तुम लोगों की रक्षा कर सकते हो, लोगों के साथ अन्याय होने से बचा सकते हो। न्याय करोगे, विश्वास पैदा करोगे, निर्माण करोगे, बलिदान कर पाओगे। तो वर्तमान व्यवस्था ऐसी है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के जरिए कराया जाएगा। विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के छात्र संघों का चुनाव मत पत्रों के जरिए कराए जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक G20 समिट के दौरान दिल्ली में बार और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। कनॉट प्लेस, बाराखंबा और खान मार्केट जैसे तमाम इलाकों में बार बंद रहेंगे। ये पाबंदी 8 से 10 सितंबर तक रहेगी। बाकी दिल्ली के सभी जगह पर बार और रेस्टोरेंट पर कोई पाबंदी नहीं होगी। दिल्ली में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। इसको लेकर दिल्ली मेट्रो 4 से 13 सितंबर के बीच अपने 36 स्टेशनों पर विशेष काउंटर के जरिए टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड की बिक्री करेगी। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।